हाय, फॉलो कर रहे हो यूट्यूब के सारे रेसिपीज। मेरा आईडी है रजनी शर्मा मदान। बहुत सारे यूनिक डिशेस, यामी टेस्टी, बहुत बढ़िया पार्टीज के लिए बना सकते हो, एंजॉय कर सकते हो घर में बैठ के सभी के साथ। तो आज का है अंडा का फंडा। तो ये तो आपको पता चल गया होगा, तो आज का रेसिपी रिलेटेड है अंडे के साथ। तो आज के अंडे की रेसिपी का नाम है फॉयल पेपर का अंडा। ये नाम कैसे पड़ा कि जब मैंने ये डिश बनाने के बाद सर्विंग प्लेट पे रखा तो मुझे उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा नहीं लगा, थोड़ा और था, तो मुझे उसे ब्यूटीफुल करना, क्योंकि घर में भी आप हमेशा ब्यूटीफुली डेकोरेट करके फिर ही खाना प्रेजेंट कीजिए। तो मेरे बच्चे जब छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे थे, तो मैंने इसको फिर फॉइल पेपर में ही प्रेजेंट किया, मैं जो आप दिखाऊंगी। और जब उन्होंने खोल के देखा फॉइल पेपर, तो बहुत सुंदर खाने की सब्जी थी और ऊपर से अंडा था, तो बच्चों ने इसका नाम रख दिया फॉइल वाला अंडा। तो चलो आज हम शुरू करते हैं इस रेसिपी का। बहुत यम्मी और बहुत ही प्रेजेंटेबल होती है, पार्टीज में आप यूज कर सकते, बना सकते हो। तो चलो अभी क्या चाहिए, प्याज, कटा हुआ प्याज, हम अंडे लेंगे, चार पांच अंडे लेंगे, करी पत्ता, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, राई और टमाटो लेंगे। आप टमाटर काट के भी ले सकते हो, मेरे में प्यूरी बनाई हुई है, इजी हो जाता है काम। और ये फॉइल पेपर, तो चलो अभी हम चलते हैं। पहले मैंने गैस ऑन किया, थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा इसमें हम थोड़ा सा प्याज डाल देंगे। बेसिकली ये प्याज टमाटर की सब्जी होगी। ये भुनेंगे, हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। जैसे मैंने आपको हमेशा किया है, आपकी कुकिंग कुकिंग करते वक्त थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। तो साइड में थोड़ा सा तड़का कर लेते हैं। वैसे तो आप पहले भी इसी के साथ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा चेंज के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल लिया और इस जब ये तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी राई। राई फ्लेटर, ये वैसे आप इसके साथ भी कर सकते थे लेकिन चेंज के लिए थोड़ा सा। फिर हम हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च मेन इंग्रेडिएंट है, इसके साथ आप थोड़ा सा भून लीजिए क्योंकि इसकी अच्छी खुशबू आएगी। फिर आप डाल दीजिए करी पत्ता। अब गैस को बंद कर देंगे। अभी देखिए मेरे जो अनियंस है लाइट पिंक हो गए हैं। इस स्टेज में आप टमाटो डाल सकते हो, टमाटर काट के भी डाल सकते हो या टमाटो प्यूरी। मैंने टमाटो प्यूरी बना के रखी हुई है, बहुत इजी होता है। इजी है कि टमाटो प्यूरी बनने से आपका काम आधा हो जाता है। और एक और टिप भी बताऊंगी टमाटो प्यूरी का, दो तीन टमाटर या टमाटर ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि अच्छा ये टमाटर वाली सब्जी जैसी होती है ना वैसे होती है। तो अभी हम इसको अच्छी तरह कुक करेंगे हाई पे रख के। इसी स्टेज पे हम लोगों ने जो हरी मिर्च का किया था वो भी इसमें डाल देंगे पूरा का पूरा। राई का तड़का भी लगा के शुरू कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। इसमें हल्दी, वैसे तो आप सब कुछ मिला के कीजिए हलवाई स्टाइल जैसे, थोड़ी सी हल्दी,
हमने नमक डाल दिया था, फिर भी थोड़ा सा और, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च डाली हुई है, थोड़ी सी लाल मिर्च। तो अभी हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके एक 2 मिनट भूनेंगे। आप देख रहे हैं कि ऑयल निकल रहा है, मसाला भी भून गया है। तो चलो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, स्लो कर दो गैस को। गैस को स्लो करके मसाला को पूरे साइड्स में ऐसे फ्लैट करना है। देखो मैंने क्या किया, स्लो कर दी गैस को। गैस को स्लो करके इसको ऐसे कर दीजिए। और मैंने अंडे को तोड़ दिया है, धीरे से डाल दूंगी, ठीक है ना। और अगर डायरेक्टली तोड़ना है वो भी इजी है। हम इसको डायरेक्टली तोड़ सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। देखो डायरेक्टली डाल सकते हैं, पर किसी को अगर प्रैक्टिस ना हो, किसी को प्रैक्टिस ना हो तो मुश्किल होएगा। इसके लिए इसको आप डायरेक्टली तोड़ के फिर इसके अंदर डालिए। और चुटकी भर नमक, चुटकी भर नमक डालेंगे क्योंकि अंडों के लिए चाहिए। और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐसे डाल के इसको ढक दीजिए। आप इसे ऐसे ढक के रख दीजिए, देखो, और स्लो पे होने दीजिए, अंडा आपके बन जाएगा। तो देखिए कैसे एकदम बढ़िया से बन गई है। और हमको अभी चेक करना है, तो कैसे चेक करें, ये कुक्ड है तो हम क्या करेंगे, ये वाइट तो दिख रहा है लेकिन येलो कुक्ड है कि नहीं, इसके लिए हमको क्या करना है, नाइफ को अंदर डालेंगे ऐसे क्लियर, मतलब देखो फिर से डालती हूँ, एग की, एग योक के अंदर डालिए। और इसके बाद देखिए, फिर एक बार इधर भी डाल के देखते हैं, कुक्ड है। तो अभी हम इसको ऑफ करके इसको हम, तो अभी हमने ले लिए 2 फॉइल पेपर, 2 पीसेस, और 1 पीस को हम नीचे रखते हैं अंदर वाले पोर्शन को, और ये इसको हम धीरे धीरे ट्रांसफर कर देंगे। देखो कितना यम्मी निकला है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, कितना अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसको अपर इनसाइड वाले को अंदर रख के इसको पूरी तरफ से क्लोज कर देंगे। जब मैंने टेबल पे ऐसे रखा था तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगा था। देखो वैसे भी कितना अच्छा लगता है ऐसे, अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो कितना ब्यूटीफुल है। गेस्ट आएंगे तो गर्मा गर्म ऐसे सर्व कर सकते हो। इनके सारे 10 मिनट पहले भी है तो इसको तवा के ऊपर रख देंगे तो और भी गर्मा गर्म हो जाएगा। तवा के ऊपर रख के गर्म कर दीजिए, और जब गेस्ट आए तो कितना ब्यूटीफुल है। चलो खोल के देखें। तो गेस्ट आएंगे तो आप क्या कीजिए, एक प्लेट लेके आते हैं अभी। तो अभी हम इसको प्लेट के ऊपर रख देते हैं और अभी इसको ओपन करके देखते हैं। जब गेस्ट आए तो आप प्लीज थोड़ा सा इसको ओपन करके, ताकि वो कंफर्टेबली, वाव दिख रहे हैं, कितना सुंदर है। तो ऐसे ओपन करके रख दीजिए। थैंक यू।
यू, फॉलो कीजिए, अच्छा लगा कमेंट कीजिए, कुछ और अपने रेसिपीज का डिमांड कीजिए, अच्छा लगेगा, हो सकेगा तो जरूर बनेगा। थैंक यू।